सोनभद्र के ओबरा में कमरे में बाहर से ताला और भीतर जल रहा था इंसान। लोगों के खड़े हो गए रोंगटे। ओबरा के राम मंदिर कॉलोनी में चित्रगुप्त मंदिर के पास खाली पड़े प्लॉट में बने कमरे में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी होने के बाद क्षेत्र में देर रात तक हड़कंप मच गया। खाली कमरे में कौन था और आग कैसे और क्यों लगी या लगाई गई, इसकी जानकारी करने में पुलिस के भी सर्द रात में पसीने छूट गए। हालांकि मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जिले के ओबरा नगर में राम मंदिर कॉलोनी स्थित चित्रगुप्त मंदिर के पास एक खाली पड़े प्लॉट में बने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे CISF फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। वहीं ओबरा पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम मंदिर कॉलोनी में चित्रगुप्त मंदिर के समीप हिमांशु श्रीवास्तव का एक प्लॉट है। प्लॉट के चारों ओर बाउंड्री बनी है जिसमें एक ही गेट लगा हुआ है। वहीं बाउंड्री के अंदर तीन छोटे कमरे बने हैं जो तीन शेड से छाए हुए हैं। गुरुवार की रात करीब 9:30 पर पड़ोस के लोगों ने कमरे से धुआं निकलते देखकर प्लॉट मालिक को इसकी सूचना दी। इसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने के बाद दरवाजे पर लगा ताला खोला गया मगर दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे को तोड़कर जब फायर ब्रिगेड के जवान अंदर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति का अधजला शव पड़ा हुआ था। मौके पर ओबरा प्रभारी निरीक्षक मिथिलेश मिश्रा और कस्बा चौकी इंचार्ज अमित कुमार त्रिपाठी मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। रात भर मशक्कत करने के बाद भी जले हुए व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी थी।